भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच गिरते पड़ते भारत के साथ ड्रॉ कराने में सफलता हासिल की, लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए किस तरीके की पिच तैयार की जाएगी, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि इस मैदान पर अमूमन तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और चौथे या पांचवें दिन गेंद घूमना शुरू होती है, जिससे कि स्पिनर्स इफेक्टिव साबित होंगे, यानी कि दोनों ही टीमें तीन तीन पेसर्स के साथ जाना चाहेंगी। मोहम्मद सिराज की एंट्री इस टेस्ट मैच में लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करेगी, बता दें आपको कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां पर 52% मुकाबलों में जीत मिली है। ऐसे में आसान इसे ये कहा जा सकता है कि जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। बड़ी बात यह है कि कप्तान कोहली भी ये बात जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम कानपुर की कठिन और विषम परिस्थितियों में किस तरीके से यहां पर लड़कर मैच को बचाने में कामयाब रही थी। ऐसे में वो मुंबई के मैदान पर नील वैगनर को भी मैदान पर खिलाएंगे, क्योंकि काइल जेमिसन, टिम साउदी को खेल पाना तो कानपुर में भी मुश्किल था, तो वो मुंबई में और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। हालांकि आपको बता दें कि मैदान पर जिस तरीके की पिच की बात की जा रही है, ये बिल्कुल टर्निंग ट्रैक नहीं होगा। ऐसे में शुरुआती तीन दिन यहाँ पर जमकर रनों का अंबार लग सकता है, यानी कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी वो जबरदस्त तरीके से रन्स बोर्ड पर लगाना चाहेगी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।